हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अली रजा और आप देख रहे हैं लॉ स्कूल। आज हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो चैप्टर वन है उसको डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है तो आज हम इसे जो है वो स्टडी करेंगे। दो से तीन आर्टिकल जो है आज हम लोग स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे तीन चार वीडियोस बना चुका हूँ, इंट्रोडक्शन पे, प्रियम्बल पे, इसके अलावा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आर्टिकल वन से आर्टिकल सिक्स तक उस पर वीडियोस बना चुका हूँ। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें, आपको जो है लिंक्स उनके मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी, इसके अलावा एंड स्क्रीन पे भी वीडियोस होंगी। जो आर्टिकल सेवन है वो बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन को बयान करता है, तो उसमें इतना कोई है नहीं कि ट्रांसलेशन वाला या इंटरप्रिटेशन वाला, तो उसे मैंने डिस्कस नहीं किया। उसके अंदर सिंपल क्या ये है कि स्टेट क्या चीज है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से क्या मुराद है, फेडरल गवर्नमेंट और मजलिस से शूरा क्या है, सो इन चीजों को डिफाइन किया गया है। चैप्टर वन फंडामेंटल राइट्स, चैप्टर वन जो है वो डील करता है फंडामेंटल राइट्स से। इसके अलावा प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव पॉलिसी आप उसे कह सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 की बात करें तो उसने कहा लॉ इनकंसिस्टेंस विद आर इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। सिंपल से स्टेटमेंट का मतलब कि ये है कि ऐसे लॉज जो कि इनकंसिस्टेंस होंगे या उसको जो है वो डेरोगेट करेंगे किसको, फंडामेंटल राइट्स को, तो वो आपके जितने भी ऐसे लॉज होंगे वो वाइड होंगे। एक और चीज, बाकी जो भी आपके एक्ट्स हैं या पिनल कोड्स हैं या जो भी आपकी लॉ की बुक्स हैं उनको समझना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप लोग स्टडी कर रहे हो तो इसमें आपने ध्यान भी रखना है। मैं भी अपनी तरफ से पूरे ट्राई करूंगा कि इसके हर हर पॉइंट को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाए और समझाया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक आप कह लें कि सुप्रीम लॉ है और जितने भी लॉज हैं वो इसी से अपनी पावर को डिराइव कर रहे हो। सो उसने कहा एनी लॉ और एनी कस्टम और यूजेज, तीनों चीजें यहां पर, कोई भी लॉ, कस्टम या यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, इन तीनों चीजों में उसने जो मेन का एसेंशियल बता दिया कि हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, कि उनके अंदर लॉ की फोर्स हो, वो एज ए लॉ ट्रीट किए जाते हों, इन सो फार एज टू बी इनकंसिस्टेंस विद द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर। ये तीनों चीजें जो ऊपर बताई गई हैं, कस्टम, यूजेज या लॉ, ये इनकंसिस्टेंस हो अगेंस्ट हो उन राइट्स के जो ये चैप्टर प्रोवाइड करता है। चैप्टर वन जो फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड करेगा, अगर कोई लॉ, यूजेज या कस्टम उसके अगेंस्ट है, शेल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंस बी वाइड, उस हद तक जिस हद तक वो इनकंसिस्टेंस है इन राइट से उस हद तक वो वाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पूरा एक्ट आता है तो वो पूरे का पूरा वाइड नहीं होगा, उसकी जो क्लास फंडामेंटल राइट्स को जो है वो डेरोगेट कर रही है, खत्म कर रही है या उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है, तो उसकी वो क्लास, उस क्लास की हद तक वो वाइड होगा, वो उसकी क्लास वाइड होगी, बाकी जो एक्ट होगा या बाकी जो लॉ होगा वो वाइड नहीं होगा। सो जो पैराग्राफ वन है आपका, आप क्लास वन जो है वो क्या कहती है कि कोई भी ऐसा लॉ, कस्टम या यूजेज जिसमें, जिसके पास जो है फोर्स ऑफ लॉ है, वो अगर इनकंसिस्टेंस है किन से, जो उन राइट से जो ये चैप्टर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो वो उस हद तक, जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है वो लॉ वाइड होगा या वो कस्टम या वो यूजेज जो है वो वाइड होगी। मतलब के वाइड, मैं कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको बता चुका हूँ कि वाइड मतलब नो लीगल इफेक्ट। तो अगर हम क्लास टू की बात करें, आर्टिकल 8 ही की क्लास टू जो है उसमें क्लियर तौर पर ये चीज बता दी गई है, स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो कि ये जो राइट्स कन्फर्ड किए गए हैं, ये जो राइट्स आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि उनके अगेंस्ट हो, स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी। और अगर फर्ज किया स्टेट कोई ऐसा लॉ बना देती है जो कि इन राइट्स के अगेंस्ट है, कॉन्ट्रावेंशन है इन राइट्स के अंदर, उस हद तक, जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा उस हद तक वो लॉ जो है वो वाइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी बिल की, किसी एक्ट की जो है एक क्लास जो है वो फंडामेंटल राइट को इंफ्रीज कर रही है तो वो उसकी क्लास वाइड होगी, पूरे का पूरा लॉ वाइड। क्लास थ्री जो हमारे पास है उसमें जो है एक्सेप्शन है, हमने ऊपर एक जनरल रूल पढ़ लिया कि कोई भी जो लॉ होगा वो इन राइट्स के अगेंस्ट अगर होगा तो वो वाइड होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं यहाँ पर, कि उसने कहा द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू, कि जो नीचे जितनी भी चीजें बयान की गई हैं उन पर इस आर्टिकल की प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी, मतलब इन पर ये आर्टिकल अप्लाई
नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो चीज की, उसने कहा एनी लॉ रिलेटिंग टू मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज से रिलेटिंग जो भी लॉ होगा उस पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। उसके अलावा पुलिस फोर्स की बात की या कोई और ऐसी फोर्सेज जिनके पास ये चार्ज है कि उन्होंने पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, अमने आमा या जो आप जिसे अमन कहते हैं उसे मेंटेन करना है, तो उस पर्पज के लिए जो है उनके पास चार्ज है, तो उन पर ये जो सेक्शन है ये अप्लाई नहीं होगा, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। तो ये जो फोर्सेज है उनका नीचे पर्पज भी बताया गया, फॉर द पर्पज ऑफ एंश्योरिंग द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज, कि प्रॉपर एक चैनल के थ्रू अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए, या अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो इन दोनों सूरतों में उनके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको कह दूं तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए जो है पुलिस, आर्म फोर्सेज या कोई और इस तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होती हैं वो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स को इनफ्रिंज कर सकती हैं, लेकिन इनका मकसद जो है वो बताया गया। इसका मकसद हर किसी ये नहीं है कि आप मार्शल लॉ लगा दें या कोई, इसका मकसद ये नहीं है, बल्कि उसमें बड़े क्लियर सेंस में ये बता दिया गया है कि इसका मकसद पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, या उनको इसने कहा कि इंश्योरिंग द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, के प्रॉपर वे में अपनी ड्यूटीज को उन्होंने परफॉर्म करने के लिए, जो कि लॉ उनको जो कहता है, तो उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। क्लास थ्री जो है उसके ए पार्ट में जो है हमने डिस्कस किया क्या कि ये जो लॉ है इसकी प्रोविजन जो है किन चीजों पर लागू नहीं होगी। इसी की क्लास बी है उसका जो पार्ट वन है उसमें भी ये बात बताई गई है कि ऐसे लॉ जो फर्स्ट कैजुअल के अंदर मौजूद है वो इस तरीके से जिस तरह पहले नाफिज़ुल अमल थे, जिस तरीके से पहले इन्फोर्स थे, उसी तरीके से उनके अंदर जो है किसी उनके ऊपर यानी कि ये जो प्रोविजन है ये अप्लाई नहीं होगी, वो उसी तरीके से रहेंगे जिस तरीके से पहले वो इन्फोर्स हो रहे थे, या जिस तरीके से पहले उनके अंदर कोई अमेंडमेंट की गई थी तो वो उसी तरीके से जो है वो इन्फोर्सेबल होंगे, उनके ऊपर भी ये प्रोविजन अभी अप्लाई नहीं होगी। इसी का जो पार्ट टू है इसके अंदर कहता है, और जो आपका स्केड्यूल वन है उसके अंदर जो दूसरे जो लॉज मौजूद है या कोई भी जो लॉ है उसकी प्रोविजन इस बेस पर जो है वो वाइड नहीं होगी कि वो जो है इस चैप्टर के मुनाफी है, इस चैप्टर के अगेंस्ट है, रिपग्नेंट टू दिस चैप्टर है, यानी कि स्केड्यूल वन जो है उसके अंदर जो लॉज है वो इस बेस पर जो है वो आप कह लें कि कालादम नहीं होंगे, वाइड डिक्लेयर नहीं होंगे कि इस चैप्टर के जो है वो अगेंस्ट है। तो जहां पर ऊपर ये प्रोविजन दी गई है क्लास थ्री के अंदर, वहां पर ही क्लास फोर के अंदर एक और बात बताई गई है कि जो पैराग्राफ जो आपकी क्लास थ्री है उसके जो बी पार्ट है जिसमें हमने कहा था कि स्केड्यूल वन के जो अंदर जो लॉज जो इन्फोर्स है उनके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगी फंडामेंटल राइट्स की, तो इस पे जो आपका क्लास फोर है इसके अंदर ये कहा गया है कि जो आपकी मुतलका जो लेजिस्लेचर होगी वो दो साल के अंदर अंदर जो आपके स्केड्यूल वन में लॉज दिए गए हैं उनको जो है उनमें इस तरह की अमेंडमेंट करके उनको इस चैप्टर के मुताबिक बनाएगी, उन लॉज को थ्रू अमेंडमेंट जो है इस चैप्टर के मुताबिक बनाएगी, इसके जो अप्रोप्रिएट है उन राइट्स को लेके आएगी। लेकिन इसमें एक प्रोविजन और है कि लेजिस्लेचर जो है वो 6 मंथ की जो है वो आप यूं कह लें कि इसमें अमेंड की जा सकती है, जो उनकी मुद्दत है जो टर्म है उसमें 6 मंथ जो है इंक्रीज किए जा सकते हैं, जो 2 साल की मुद्दत है कि 2 साल के अंदर वो उनको जो है उन लॉज को चेंज करके इस चैप्टर के मुताबिक बनाएगी, लेकिन 2 साल में मजीद जो है वो 6 मंथ भी ऐड किए जा सकते हैं, ये प्रोविजन है। इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन है, उसने एक्सप्लेनेशन में उसने कहा है कि अगर किसी भी लॉ से रिलेटेड जो लेजिस्लेचर है वो मजलसे शूरा यानी कि पार्लियामेंट है तो अप्रोप्रिएट जो लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट है, तो उसे यही समझा जाएगा कि वो जो रेजोल्यूशन है वो नेशनल असेंबली यानी कि जिसे आप जो है ईवान ज़ेरी भी कहते हैं, कौमी असेंबली कहा जाता है उर्दू में, उसे यही कहा जाएगा कि वो जो रेजोल्यूशन है वो नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन है, कौमी असेंबली की जो है वो रेजोल्यूशन है। इसके अलावा इसकी क्लास जो 5 है उसके अंदर कहा गया है कि आपके जो राइट्स हैं ये किसी भी सूरत में जो है सस्पेंड नहीं किए जा सकते सिवाय इसके कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक्सप्रेसली जो है वो बता दिया गया हो, कोई इनकी सूरत रख दी गई हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता तो आप जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है वो कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन आपको बड़ा क्लियर पता है कि जब भी मार्शल लॉ लगता है तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो है उनको सलब कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने सिर्फ एक ही आर्टिकल किया, आर्टिकल 8, थोड़ा सा ये लेंथी भी था
और थोड़ा सा टेक्निकल भी था, तो इस वजह से हमने एक ही आर्टिकल को स्टडी किया। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 9 को, और जितने भी फंडामेंटल राइट था ये एक जनरल प्रोविजन थी, अब हम जो है वो वन बाय वन फंडामेंटल राइट को स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।